नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। मैं हूं योगी वीरेंद्र और आज का जो वीडियो है दैट इज़ मोस्ट कॉमन टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है, काफ़ी लोगों ने हमसे बोला था, तो दैट इज़ थायरॉयड। थायरॉयड है क्या, थायरॉयड की प्रॉब्लम क्या है। थायरॉयड एक ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, यहाँ पर इस जगह, तो थायरॉयड ग्लैंड होता है जो हॉर्मोन रिलीज करता है T3 एंड T4, और T3 T4 को कंट्रोल रेगुलेट करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है TSH। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। जिन लोगों ने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। सो हम थायरॉयड के बारे में बात कर रहे हैं, TSH, तो इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैं आपको बता देता हूँ थायरॉयड से होता क्या है। क्या होता है, ये आपका बेसल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और इससे क्या होता है, अगर आपका थायरॉयड इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको वेट बढ़ने लगता है, वेट कम होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो ये कुछ छोटी छोटी ये चेंजेस बॉडी में आते हैं, पता लगता है कि ये चेंजेस हमारे शरीर में आए हैं। तो उसके लिए आज हम जो एक योग वीडियो बना रहे हैं, योगासन वीडियो, प्राणायाम की बाद में बनाएंगे, पहले हम योगासन की वीडियो बना रहे हैं, जिसके थ्रू आप अपने इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। काफ़ी लोगों पर हम इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं और काफ़ी लोगों की दवाई तक छुड़वा दी है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम शुरू करते हैं योगासनास फॉर थायरॉयड। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि थायरॉयड ग्लैंड हमारा होता है नेक पे यहाँ, और उसको रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमें सारे योगासन ऐसे करने हैं जिससे हम अपने थायरॉयड और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आप जॉइंट ओपनिंग करें, जिसका वीडियो हम डे वन पे अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुके हैं। तो जॉइंट ओपनिंग करने के बाद आप दोनों हाथों को इंटरलॉक करें पीछे और दोनों पैर खोल लीजिए इस तरह, और पीछे शोल्डर ब्लेड्स को मिलाना है, नेक ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर एक्टिवेट योर नेक, यहाँ से स्ट्रेच लाएं और सांस भरते हुए पीछे जितना जा सकते हैं। स्टार्टिंग में 10 सेकेंड्स होल्ड करें और सांस छोड़ते हुए आप नेक नीचे लगा के नीचे जाइए, जितना नीचे आप जा सकते हो, मैक्सिमम डाउन, जितना नीचे आप जा सकते हैं। 10 सेकेंड होल्ड करें, सांस भर के ऊपर आ जाइए, फिर से पीछे जाना है। इस बार पीछे जाते हुए आपको कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करना है, यहां पर पीछे 30 सेकेंड होल्ड करें, सांस छोड़ते हुए नेक को नीचे लगाते हुए नीचे जाएं। सांस भरते हुए ऊपर आ जाएं। तो ये 3 बार आपको करना है, पहले 10 सेकेंड, उसके बाद 30-30 सेकेंड इसको होल्ड करना है। 3 बार आपको इस आसन को रिपीट करना है। 3 बार इस आसन को रिपीट करने के बाद अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो हम मैट पर लेट कर करेंगे। तो नीचे आ जाइए, सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथ चेस्ट के दोनों साइड, और सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर ले जाएं, और नेक को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है खिंचाव दें ऊपर। हमारा मेन टारगेट है अपने नेक पे जो थायराइड ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करना, तो ऊपर देखिए जितना देख सकते हैं। 30 सेकेंड होल्ड करना है भुजंग आसन, और उसके बाद 30 सेकेंड होल्ड करना है पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में चले जाएं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार हम बैक बेंडिंग करते हैं और अपने नेक पर खिंचाव ला रहे हैं, दूसरी बार व्हाट वी आर डूइंग, हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन की साइड इंप्रूव हो रहा है। तो जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की साइड इंप्रूव होगा तो हमारे थायरॉयड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगा, और जो हमारी थायरॉयड की समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। 30 सेकेंड पर्वतासन में रुकें, उसके बाद फिर से नीचे जाएं आराम से, और भुजंगासन
30 सेकंड भुजंगासन, नेक ऊपर खींच के ही रखना है, फिर से 30 सेकंड पर्वतासन। ये भी आपको कम से कम 3 बार चेंज करना है, होल्ड करना है 30 सेकंड, सांस लेते रहें छोड़ते रहें और अपने स्टमक को देखते रहें, कोशिश करें दोनों ही जमीन से लग जाए, कंधों को भी खींचिए, फिर से घुटने नीचे लगाइए, भुजंगासन में आ जाइए। फिर से ये 3 टाइम आपको करना है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको थोड़ा रुक रुक के करना है, यहाँ कर लेना है। उसके बाद फिर आप घुटने नीचे रखेंगे, ऊपर आ जाइए घुटनों पर, और अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो पैर बाहर भी रख सकते हैं और कम फ्लेक्सिबल हैं तो पैर अंदर करके जितना हो सकता है ये दोनों हाथ पीछे ले जाएं इस तरह, एंड होल्ड हियर। ये भी नहीं कर सकते तो दोनों हाथ कमर पे रख के जितना पीछे जा सकते हैं, यू नीड टू स्ट्रेच योर नेक एंड गो बैक। 30 सेकंड होल्ड करें और उसके बाद शशांक आसन रैबिट पोज में आ जाएं। 30 सेकंड रैबिट में रुकने के बाद ऊपर आइए, दोनों पैर आगे और पीछे की साइड ले जाएं। सर्वांगासन जो थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है, उसमें क्या करना होता है, हमें धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जितना हो सकता है ऊपर ले जाएं इस तरह। यहां थोड़ी देर रुकें, जितनी देर रुक सकते हैं इजीली, तो इससे आपके नेक पर भी अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी आपके ब्रेन के साइड इंप्रूव है, जिससे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड काफी अच्छी तरह से काम करता है और आपको जो थायराइड स्टिमुलेटरी हॉर्मोन्स है वो सही से रिलीज होता है। अब यहीं से जो लोग कर सकते हैं दोनों पैर पीछे ले जाइए आराम से और जमीन से लगा दीजिए और दोनों हाथ खोल लीजिए। 30 सेकंड यहां पर रुकें, 30 सेकंड सर्वांगासन, 30 सेकंड ये हलासन है जो अभी हम कर रहे हैं, और उसके बाद धीरे से वापस आना है, पैर ऊपर उठाते हुए एक एक वर्टिब्रा करके वापस आना है इस तरह, पैर खींचते हुए नीचे ले जाएं, और उसके बाद एक आसन लास्ट हमें करना है, अर्धमत्स्य आसन भी कर सकते हो, तो इसमें इस तरह से देखिए आपको करना किस तरह से, नेक नीचे इस तरह, ये बैक आपका ऊपर रहेगा और दोनों पैर ऊपर उठा के दोनों हाथ अपने हार्ट सेंटर पे जोड़ लीजिए इस तरह, ये करना है। तो इसको करने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे करें आप शुरुआत, अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इस तरह से बैठ के पीछे जाइए, एल्बो नीचे रखिए, बैक को जितना होता है आर्च बनाइए और यहीं से हेड नीचे लगा लो, ये पैर अभी मुड़े हुए हैं, और फिर दोनों हाथ इस तरह ऊपर उठा लें और धीरे से वापस आ जाएं और लेफ्ट साइड करवट लेके ऊपर आ जाइए और थोड़ी देर बटरफ्लाई करिए। तो ये सीरीज, और जैसे जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से करना है, एक के बाद एक, ठीक है, क्योंकि एक आसन का दूसरा आसन रिवर्स आसन है, तो रिवर्स भी करना काफ़ी ज़रूरी है जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकें हमारे इस वीडियो के थ्रू। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे कि अगर कोई भी समस्या से जूझ रहा है तो इस वीडियो का वो फ़ायदा उठाकर अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकें, क्योंकि दवाइयों से थायराइड को मैंने ठीक होते हुए नहीं देखा है, उसकी दवाई होती है, खानी है आपको डेली, पहले 25 mg की होती है, फिर 50, फिर 60, ऐसे करके बढ़ती चली जाती है, पर अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे तो आप इस समस्या से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।